बैटमैन बैटमैन तो आउट ऑफ द बॉक्स है यार. ए आई एम रिच, ए ए ए मुझे पहनो, आई एम रिच. ए आपका अपना पसंदीदार गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 26 तारीख और आज क्या है, आज आज पृथ्वी के रक्षकों का अंतिम चरण दिवस है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम. वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों. आज है 26 अप्रैल और इंडिया में आज एवेंजर्स रिलीज हो रहा है. सुबह उठते ही व्लॉगिंग शुरू कर दी मैंने. वाह, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ. वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दोस्तों. सुबह उठा था तो वेलकम थोड़ा लो हुआ था. तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो यार एवेंजर्स एंड गेम के लिए? मैं तो पागल हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ. मतलब इतना ज़्यादा मैडनेस, मतलब बिलीव नहीं कर रहा हूँ. और आप बिलीव नहीं करोगे, सारे सोशल मीडिया में इतने सारे स्पॉयलर्स आ चुके हैं कि क्या बताऊँ. वैसे एक स्पॉयलर मैंने भी देख लिया उसमें से, बट ठीक है, एक स्पॉयलर तो चलता है यार. इवन किसी टोरेंट साइट ने पूरी की पूरी मूवी ही डाल दी. आई होप अभी तक वो मूवी निकल चुकी होगी, मतलब रिमूव कर दिया गया होगा वो मूवी को अब तक. स्पॉयलर्स फिर भी ठीक है, स्पॉयलर्स तो एनीवेज आने ही हैं, लेकिन पूरी की पूरी मूवी टोरेंट पर डाल दी, दैट्स रियली वेरी बैड. मतलब इतनी बड़ी फिल्म जो ऑलरेडी रिलीज़ होने के पहले इतना ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है, तो उसके साथ तो ये जस्टिस नहीं है यार. सो प्लीज़ स्पॉयलर्स ना फैलाएं फिल्म के बारे में. और हाँ, मतलब ऐसी फिल्में टोरेंट पर देखना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप लोगों को क्या लगता है, ऐसी फिल्मों के स्पॉयलर्स आने चाहिए, सरफेस होने चाहिए? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. कैसी हुई नींद मैडम आपकी? वैसे अर्चना ने एक भी एवेंजर्स, मतलब वो पहले तो फॉलो नहीं करती थी एवेंजर्स की फिल्में, लेकिन फिर खास करके जब उसने इन्फिनिटी वॉर मेरे साथ देखी थी, इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद वो बोली कि मेरे को सारी फिल्में देखनी है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 21 की 21 फिल्में सारी की सारी उसको दिखाई. कितने दिन में देखी तुमने? 21 डेज. अच्छा, हर दिन एक फिल्म देखी थी तुमने? झूठी. हर दिन एक फिल्म नहीं देखी तुमने? तुमने करीब हर दिन में एक मूवी देखती थी मैं, भले वो गैप्स आए कुछ भी, डजंट मैटर. तो हाउ एक्साइटेड आर यू मैडम एवेंजर्स एंड गेम के लिए? वेरी एक्साइटेड, बस ऐसा लग रहा है कब 10 बज जाए. रात के 10? सुबह के 10 नहीं. मेरे कई अभी फेसबुक में फीड देख रहा था, कई सारे दोस्त मॉर्निंग शो गए हैं यार, वेरी लकी. मैं भी एक्चुअली फर्स्ट शो ही जाना चाहता था, पर अर्चना और सैंडी, मतलब सैंडी का एक्चुअली ऑफिस है, लास्ट शो देखेंगे आज का 10 बजे, रात 10 बजे. मैंने थानोस का गॉन्टलेट आखिर बना ही लिया. भोलो मत आयरन मैन, मैंने तुम्हारी पूरी पूरी मदद की इस गॉन्टलेट का बनाने में. इस गॉन्टलेट की मदद से मैं थानोस और थानोस की पूरी आर्मी को स्वाहा कर दूंगा. मुझे तो तुम लोगों ने जेल में डाल दिया. कहाँ है वो, कहाँ है वो स्पाइडरमैन? दोस्तों मैं तो लटक रहा हूँ, मैं अभी भी यहीं पर हूँ और आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कब आप मुझे वापस लेकर आओगे. थानोस ने चुटकी बजाकर मुझे तो स्वाहा कर दिया. वैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो डीसी से पक चुका हूँ, मुझे भी मार्वल में ले लो गाइस. बैटमैन तुम डार्क हो और मार्वल कलरफुल, जिस दिन तुम कलरफुल फिल्में बनाओगे मार्वल तुम्हें अपना लेगा. ठीक है, मेरी अगली फिल्म बिल्कुल कलरफुल होगी
और मैं इतनी भारी आवाज़ में बात नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली बात करूँगा जैसे तुम लोग बात करते हो हिंदी डबिंग में। हल्क स्मैश, हल्क तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी, इस बार मैं थानोस के हाथ की मार नहीं खाने वाला। हल्क स्मैश। ये पीछे जो मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी गाड़ियाँ मैं मार्वल को दे दूँगा। प्लीज़ मुझे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ले लो। रूसो ब्रदर्स, क्या सोच रहे हो, मुझे ले लो भाई, आई एम रिच, यू नो, आई एम रिच। अलग लेवल की मैडनेस है बॉस। इतनी एक्साइटमेंट आपने किसी में देखी है? अच्छा, वैसे मार्वल में बैटमैन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने गूगल सर्च बार पे थैनोस टाइप करो और थैनोस को सर्च बोलो। यार नीचे किसी के यहाँ कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा साउंड में, सो अवॉइड दैट। तो गूगल सर्च बार में जाकर के थैनोस सर्च करो। जैसे ही आप थैनोस सर्च करते हो तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर एक गॉन्टलेट दिख रहा है आपको थैनोस का। तो जैसे ही आप इस पर टैप करते हो, सी द मैजिक, थैनोस का पुजारी दिखा रहा है थैनोस का जादू। एक और बार करके देखते हैं क्या होता है। इतने सारे ऑप्शंस, किसे पहनूं किसे पहनूं, मैं थॉर नहीं, वुल्वरीन नहीं, आयरन मैन, आयरन मैन पहन सकते हैं, और बैटमैन। बैटमैन तो आउट ऑफ द बॉक्स है यार। ए आई एम रिच, ए ए ए मुझे पहनो, आई एम रिच, ए ए आई एम रिच। इसको नहीं पहनूंगा, इसे ही पहना जाए थानोस का पुजारी। फिलहाल बज रहे हैं 9:15। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा शो 10 बजे का है, एवेंजर्स एंड गेम का, और मेरी एक्साइटमेंट लेवल जैसे जैसे टाइम क्रॉस हो रहा है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो मैं क्या करूँगा जब मूवी शुरू होगी, तो सारे कैरेक्टर सामने आएंगे, सारे सरप्राइजेस सामने आएंगे, और ना जाने क्या क्या। आगे के वीडियोस मैं फ़ोन से शूट करूँगा क्योंकि थिएटर में कैमरा अलाउड नहीं होता, क्वालिटी में थोड़ा कम ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं थिएटर पे। पहुंच गए हैं सिने बॉलेस और अभी आगे का वीडियो सब हम लोग फोन से रिकॉर्ड करेंगे। फुल हाउसफुल है बाबा, फुल ऑन हाउसफुल। सुन रहे हो, आवाज़ आ रही है, पब्लिक पागल हो रही है थिएटर में। अभी मैंने देखा कि जिस ऑडी में मेरा शो है वहाँ पर पब्लिक चिल्ला रही है, शायद से वहाँ पे एंड क्रेडिट्स चल रहा है इस वक्त। और सैंडी गॉन्टलेट वाला चीज का मजा ले रहा है। बाप रे, इतनी सारी पब्लिक देख करके थैनोस की सोच पे भरोसा होने लगता है। एक चुटकी बजाओ, आधी पब्लिक गायब। नहीं यार, मार्वल फैंस हैं सारे के सारे, मार्वल फैंस मेरी तरह। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Con. तो मूवी देखने के बाद इमोशन से ओतप्रोत हो रहा हूँ मैं अभी इस वक्त। अगर बताऊँ तो मूवी एवेंजर्स एंड गेम इतनी ज़्यादा इमोशनल फिल्म बनाई है, सीरियसली आप लोग को रोना आ जाता है। और मुझे एक पॉइंट पे बहुत रोना आ गया था, मेरे आंसू नहीं बहे बट हाँ थोड़ा फील हो रहा था काफ़ी। सो इट्स अ मस्ट वॉच यार, अगर आप ये मूवी मिस कर गए तो क्या GOT और क्या POT, ये सब
वेब सीरीज़ उसके सामने चाय कम पानी है, सच बताओ तो। मतलब इतना बड़ा जो 10 साल पुराना सीरीज़ एक ऐसे पॉइंट पे आकर के ख़त्म हो रहा है। आई एम श्योर आने वाले मूवीज़ उसके और अलग रहेंगे मार्वल के, लेकिन दिस वॉज लाइक द बेस्ट, सबसे बढ़िया। मतलब किसी भी कैरेक्टर को अगर प्रॉपर तरीके से होमाज दिया जाए तो इस फिल्म में दिया गया है। मतलब दिस इज़ दी बेस्ट सुपर हीरो मूवीज़ आई फील मार्वल की। और मूवी देखिए, जैसा मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम श्योर आप भी वैसा ही फील करेंगे मूवी देखने के बाद। जो इमोशन से मैं इस वक्त बह रहा हूँ, उस इमोशन से आप लोग भी बहेंगे। सो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। 2 बज रहे हैं, रात के 2। सो रात के 2 बजे वीडियो को एंड करते हैं। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर 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 दबाइएगा। इस मूवी के एंड में कोई एंड क्रेडिट नहीं था, कोई मिड क्रेडिट नहीं था, वैसे ही हमारे इस वीडियो के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी।